नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल विकी क्रिकी में, जहां मैं आपकी एक और टेंशन का हल करने जा रहा हूं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले थे क्रिकेट की फील्डिंग पोजीशन मेनली क्या क्या होती है और किस तरह की फील्ड पोजीशन रखी जाती है और मेन मेन खिलाड़ी कहां पर प्लेस किए जाते हैं, तो मैं उन्हीं के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ और आपको बताऊंगा एक डायग्राम बना के कि कैसे कहाँ कहाँ खिलाड़ी प्लेस किए जाते हैं। हालांकि यहाँ खिलाड़ियों की संख्या तो 11 होती है मैदान पर, लेकिन यहाँ थोड़ी सी ज्यादा पोजीशन रखी जाएंगी क्योंकि कई बार पावर प्ले में किसी तरह की फील्ड होती है, बीच के ओवरों में किसी तरह की होती है, तो उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक पूरा ग्राउंड है और ये इसका एक थर्टी यार्ड सर्किल का घेरा होता है, ये बाउंड्री है। और ये मान लीजिए पिच हो, ये जो फील्डिंग होगी ये राइट हैंडर के लिए होगी। राइट हैंडर के लिए ये वाली साइड ऑफ साइड होगी और ये वाली साइड लेग साइड या ऑन साइड होगी, तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। और मैं इस वाले छोर से गेंदबाजी कराना पसंद करूंगा और यहां होगा विकेट कीपर आपका। यहाँ होगा बॉलर। अब सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ आपको देखने को मिलेंगी एक दो तीन चार, कितने भी लगा लो, ये हो गई स्लिप। यहाँ थोड़ी सी लिखावट में आपको शायद समझ ना आए, लेकिन बाद में मैं आपको डायग्राम दे दूंगा जिसमें आप पूरा समझ सकते हैं कि कौन सी फील्ड कहाँ लगाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ होता है पॉइंट। बिल्कुल एकदम जो यहाँ जो क्रीज होती है ना, इसके सीध में होता है पॉइंट। और यहाँ होता है ये स्क्वायर लेग, जहाँ एम्पायर भी खड़ा होता है। यहाँ होती है गली। और अगर लेग साइड में लगा दी तो ये हो गई लेग गली। बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ आपको मिलेगा थर्ड मैन, यहाँ हो गया थर्ड मैन। तो पहले ऑफ साइड की बात कर लेते हैं, यहाँ हो गया पॉइंट और यहाँ हो गया आपका कवर। विराट कोहली की कवर ड्राइव तो सभी को पता है, फेमस है। तो जैसे यहाँ से अगर विराट कोहली खड़े हैं और यहाँ शॉट मारे तो वो कवर हो गया। इसको थोड़ा सा इधर ले आएंगे थोड़ा सा, तो ये हो गया एक्स्ट्रा कवर। और जैसे आपने टेस्ट क्रिकेट में देखा होगा कि यहाँ एक फील्डर लगा होता है बहुत हेलमेट वेलमेट लगा के, तो उसको बोलते हैं सिली पॉइंट। सिली वही अगर वो इस साइड में लगा हो, यहाँ खड़ा हो, तो उसे बोलते हैं शॉर्ट लेग। यहां हो जाता है आपका मिड ऑफ। और यहां अगर गेंद जा रही है आपकी तो इसे बोलते हैं, इस वाले फील्डर को बोलेंगे हम लॉन्ग ऑफ। अगर इस वाले फील्डर को हम सीधा यहां कर देते हैं तो वो हो जाता है डीप एक्स्ट्रा कवर। अगर पॉइंट के सीधे न रख के हम उसको यहां, अगर खिलाड़ी को किसी को प्लेस करते हैं उसको बोलते हैं डीप। अगर पॉइंट के थोड़ा सा इधर करते हैं तो उसे डीप बैकवर्ड बोलते हैं, यहां बोलेंगे डीप बैकवर्ड पॉइंट। ये ऑफ साइड की मोटी मोटी फील्डिंग होगी, ज्यादातर खिलाड़ी यही प्लेस किए जाते हैं।
कई बार देखा जाता है कि थोड़ा सा इधर खिलाड़ी कर देते हैं तो उसे फॉरवर्ड बोलते हैं, और थोड़ा सा इधर कर देते हैं ना बैकवर्ड बोलते हैं। अब आ जाते हैं, अगर यहाँ कोई सीधे मारता है तो इसको स्ट्रेट बोलते हैं, स्ट्रेट ड्राइव कहते हैं इसको। यहाँ फिल्टर लगा नहीं सकते, थोड़ा सा इधर उधर आपको प्लेस करना होता है। वहीं अगर राइट हैंडर बैट्समैन के लिए यहाँ कोई फील्डर हो तो उसे लॉन्ग ऑन बोलेंगे। यहाँ अगर कोई खिलाड़ी प्लेस हो तो उसे मिड ऑन बोलेंगे। अगर यहाँ कोई खिलाड़ी प्लेस हो तो उसे मिड विकेट वाला बोलेंगे, मिड विकेट। यहाँ आपको स्क्वायर लेग बताई दिया, यहाँ ये स्क्वायर लेग होता है, यहाँ होता है आपका फाइन लेग। अगर ये खिलाड़ी स्क्वायर लेग की बजाय यहाँ पीछे रखते हैं तो इसको बोलते थे हम डीप, डीप स्क्वायर लेग भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ कोई खिलाड़ी प्लेस होता है तो हम उसको बोलते हैं डीप फॉरवर्ड, डीप फॉरवर्ड। जैसे कई बार हम देखते हैं खिलाड़ी यहाँ खड़े हो जाते हैं, मतलब गेंदबाज से थोड़ा सा इधर और पिच से थोड़ा सा इधर, तो इस वाले पोजीशन को बोलते हैं हम स्ली मिड ऑन, स्ली मिड ऑन। और वहीं अगर यही खिलाड़ी ऑफ स्टंप पे लगा हो, ऑफ साइड पे, तो हम इसको बोलेंगे स्ली मिड ऑफ। अगर यहाँ कोई खिलाड़ी प्लेस करते हैं तो उसको बोलते हैं डीप स्वीपर, फाइन लेग से थोड़ा सा इधर चलेंगे तो यहां हो जाता है आपका लॉन्ग लेग। तो यहाँ पीछे तो फील्डर लगा ही नहीं सकते विकेट के पीछे, तो यही मोटी मोटी आपको फील्डिंग देखने को मिलती है। इसका मैं एकदम डायग्राम दे दूंगा और अच्छा, तो आप देख सकते हैं उसमें कि किस तरह की फील्डिंग लगाई जाती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली एक और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।